अगला सवाल है अनिल झा का गुवाहाटी असम से। अनिल जी नमस्कार सर, बताइए। जी नमस्कार सर। सर मेरा IEX का शेयर 840 है 170 के एवरेज प्राइस पे। क्या करते हैं सर आप वहाँ गुवाहाटी में? जी सर सर्विस में है, गवर्नमेंट जॉब में है। अरे वाह, सरकारी नौकरी। तो निवेश करते हैं कि ट्रेडर हैं? जी निवेश करते हैं सर। पक्का? आप थोड़ा सोच के बोले। नहीं ट्रेडिंग कोई बुराई थोड़ी है, ट्रेडिंग आप गैर कानूनी काम थोड़ी है। नहीं नहीं ट्रेडिंग नहीं है। अच्छा, ऐसे इन्वेस्टमेंट है सर कुछ। ओके, तो IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज गावा सर। IEX में अनिल जी ने निवेश किया है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए ऐसा है कि 300 के आसपास चला गया, उसके जो गिरावट आई है करीब देखा है हमने करीब 125 भी चला। अब यहाँ से जो मुंह मिलता है लगता है अब ये स्टॉक बॉटम आउट हो गया, क्योंकि इस वीकनेस में वीकनेस आ गई। अब इसको बदलना है स्ट्रेंथ में, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ भी आ रही है। 144 पे ट्रेड कर रहा है, इनको ये होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। 200 तक फिर जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। तो मेरे ख्याल से अब इसमें गिरावट खत्म हुई, अपमूव शुरू हुआ है। इस अपमूव में एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते रहेंगे, उसको अपना काम करने दो, आप सिर्फ होल्ड करो। 200 तक मुझे टारगेट नजर आते हैं, और एक बार 200 चला गया फिर तो फ्रेश लुक लीजिए, हम यहाँ बैठे हैं, फोन करके फिर बात कीजिए हमसे। आज इनका एक बिजनेस अपडेट भी आया है कि नवंबर महीने में कारोबार कैसा रहा, तो 17.5% की ग्रोथ इन्होंने ट्रेडिंग में अपनी दिखाई है, ट्रेड वॉल्यूम में। तो ये एक, मैं भी रिसेंटली मैंने एक फंड मैनेजर से भी बात की थी, वो भी बहुत बुलिश थे इसमें। तो मैंने उनसे पूछा भी कि एक खबर आई थी कि प्राइसिंग पावर जाएगी ये वो, लेकिन उसके बावजूद उनका भरोसा इस पर बना हुआ है। तो एक बार अब इसलिए बॉटम बना लिया, बहुत लो लेवल देख लिए, तो होल्ड करिए अनिल जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं इसमें।